रूफर स्लिप्स मैं बतला रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल पर नए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, जैसे मैं हम एक ब्लाउज बतला रही हूँ, बाजू नहीं रहेगा, स्लिप्स अलग से लगाना है, प्लेट डाल करके अलग से डालिएगा। मैं इस तरह से इसको फोल्ड करूँगी डबल फोल्ड में, और आगे और पीछे दोनों साइड का हमको निकाल लेना है। दोनों साइड का पल्ला निकाल लेना है। देखिए, इस तरह से दोनों साइड का हमको निकाल लेना है कपड़ा। तो देखिए, लंबाई में हमको 15 इंच रखना है, तो 16 इंच लिए हैं, तो 16 इंच लिए हैं, तो इसको हल्का सा यहाँ से कट कर देंगे। 16 इंच पूरा सिलाई में जाएगा, हाफ हाफ इंच, तो सिलने के बाद 15 इंच पूरा बचेगा। सिलने के बाद हाफ इंच नीचे से, हाफ इंच ऊपर से, तो सिलने के बाद नहीं बच जाएगा। देखिए, जैसे मैं इधर में लंबाई में मेरा तो 16 इंच पूरा देखिए लिए, इधर से हमें 11 इंच चौड़ाई देंगे, 12 इंच भी ले सकते हैं, कपड़ा थोड़ा सा बचेगा। यहाँ से हम 12 इंच कपड़ा को रख लेते हैं, आखिर थोड़ा सा 2 इंच बड़ा ही रहेगा, ठीक रहेगा। तो 36 इंच का साइज का हम ब्लाउज बनाएंगे। देखिए, यहाँ पर गला के लिए हम, और गला जैसे मैं चौड़ाई में गला पे 3 इंच रखेंगे, लंबाई में 6 इंच रखेंगे। इस टाइप से यहाँ पर बाजू के लिए 3 इंच रखी हूँ, 3 इंच से ज़्यादा नहीं रखिएगा। यहाँ से 5 इंच पे टिक लगाइए, 5.5 तक लगा सकते हैं, तो यहाँ से भी 5.5 इंच पे टिक लगाइए। थोड़ा सा अच्छा हो गया, इसको इस टाइप से हमको कट लगा देना है, लाइनिंग देना है। देखिए, इस टाइप से, और यहाँ जो डिजाइन है ना, जो गले के लिए बना रहे हैं, इसको हमको इस टाइप से बनाना है गला, देख रहे ना यहाँ। अब यहाँ से हमको देखना है, यहाँ से 3.5 इंच पे यहाँ से 4 इंच पे टिक लगाइएगा, और यहाँ से भी 4 इंच पे टिक लगाइएगा। ये सिर्फ समझने के लिए है। देखिए, यहाँ से 4 इंच पे टिक लगाइएगा। अब देखिए, ये वाला गला को यहाँ मिला देना है, ऐसे मिला देंगे ना तो ज़्यादा सुंदर बनेगा। अब देखिए, इसको हमको कट कर देना है। यहाँ से हम कट करेंगे, अब यहाँ पर आप एक टेकिंग भी दे सकते हैं। यहाँ जैसे मैं, देखिए, यहाँ से 4 इंच पे लगाइएगा, तो टेकिंग यहाँ पर भी एक सिंपल सिंपल तरीके से यहाँ पीछे 4 चुन डाल करके एक ब्लाउज बन जाता है, और एक ही स्टाइप से बनता है ऐसे। आपका मर्जी, जो भी बनाना होगा तो बना सकते हैं इस टाइप से, इस टाइप से, पर हम यही वाला बनाएंगे। तो देखिए, इसको पहले हम कट करके आपको दिखला रहे हैं। कट कर दिए, अब इसको हम यहाँ पे इस टाइप से कट करेंगे। अब इसको गला को हम कट करेंगे ऐसे, यहाँ आएंगे और इसको इस टाइप से। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे निकाल देना है।
देखिए यहाँ निकल गए। जितना ए मेरा है इसी के साइज से हमको कट करना है ऊपर वाले। पहले हम इसको निकाल लेते हैं, देखिए पहले हम इसको निकालेंगे, इस तरह से रखना है, देखिए इस टाइप से ऐसे। इसको कट कर देना है। देखिए इसको दो भाग में कर देना है, इसको भी हटा दे रहे हैं, इसको दो भाग में करना है। अब यहाँ पर देखिए दोनों साइड इस सीधा है, इसको इस तरह से बैठा देना है, इस तरह से बैठा देना है, देखिए इस टाइप से। ऐसे बैठा देना है। इस टाइप से बैठाना है ऐसे। यहाँ पे इस तरह सिलाई चलाइएगा यहाँ पे, और ऐसे सिलाई चला देना है और पलट करके फिर सिलाई चलाना है। अब सिलाई करके आपको दिखलाएंगे। दोनों साइड उसी टाइप से सिलाई चला देना है, सिर्फ बाजू पे और गला पे सिलाई चलाना है। इसके बाद उसको पलट करके सिलाई चला दीजिएगा। स्टेप से ऐसे आइएगा, हाफ हाफ इंच पकड़ करके इस टाइप से, और यहाँ पर सिलाई, यहाँ सिलाई नहीं करना है, इसको पलट देना है। यहाँ से इस टाइप से आपको बताए हैं, इस तरह से सिलाई चलाइएगा। देखिए अब यहाँ हम बाजू के लिए निकाल रहे हैं, जो कंधा पे जो ऐसे स्लिप से लटका हुआ रहेगा तो उसके लिए हम निकाल रहे हैं कपड़ा। ये दोनों मेरा सीधा है, सीधा है तो इसको टिक लगा लीजिएगा। तो देखिए इसको नाप लीजिएगा पूरा, यहाँ से ही 4 इंच है तो हम डबल लेंगे, 4 × 8 और 1 इंच बेसी लेंगे, 1 इंच 1/4 इंच बेसी ले लीजिएगा। तो ये मेरा 8 × 1 = 9 इंच हो गया, 9.5 इंच ले लीजिएगा। तो 9.5 इंच देखिए यहाँ जा रहा है, 9.5 इंच और यहाँ 9.5 इंच, यहाँ पर भी 9.5 इंच पे टिक लगाना है। अब यहाँ पे लाइनिंग दे लिए, अब इसको कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद दोनों साइड फोल्ड करके सिलाई कर लीजिएगा। इधर में देखिए कितना मेरा लंबाई है, लंबाई में मेरा है 16 इंच, तो इसको तो हाफ हाफ इंच इधर एक एक इंच सिलाई हो जाएगा। ऐसे कट कर दिए इसको, देखिए डबल भी इस तरह कर करके आप यहाँ प्लेट बैठा सकते हैं इस टाइप से। खुला भी बैठा सकते हैं, ऐसे भी बैठाइएगा तो थोड़ा सा चौड़ा चौड़ा बैठेगा, चौड़ा रहेगा तो और ज़्यादा सुंदर बैठेगा। देखिए इस टाइप से ऐसे ऐसे रहेगा तो थोड़ा सा इतना चौड़ा बैठेगा। देखिए एक ठो मैं ब्लाउज का जो है आगे साइड वाला जो सिलाई कर लिए हैं, और ऊपर साइड वाला देखिए किस तरह से सिलाई किए हैं और हर जगह कट लगाए हैं,
इसके बाद इसी टाइप से पलट करके सिलाई कर देना है और नीचे हल्का सा फोल्ड करके सिलाई करना है। देखिए अब यहाँ पर भी हम फोल्ड करके सिलाई किए हैं। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से मोड़ेंगे ऐसे, यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर हम टिक लगाएंगे इस टाइप से, और इस तरह से हम सिलाई करेंगे। अब देखिए दोनों साइड इस तरह से मोड़ लेंगे और ऐसे इसको देखिए दोनों साइड हो गया। इसको इस टाइप से सिलाई चला देना है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा पकड़िएगा, इधर थोड़ा सा ज़्यादा, बस। अब मैं आपको सिलाई करके दिखला रही हूँ। देखिए मैं आगे का टेकिंग दे दी हूँ। देखिए यहाँ पर इस टाइप से टेकिंग दी हूँ और इसके बाद पीछे वाला सिलाई करके दिखला रहे हैं। देखिए ब्लाउज में यहाँ भी दो को टेकिंग दिए हैं, ये पीछे का है वो आगे का है। तो अब देखिए यहाँ पर हम प्लेट बैठा करके आपको दिखला रहे हैं किस तरह प्लेट बैठाएंगे कंधा पे। अब देखिए कंधा पे प्लेट बैठाएंगे, जैसे मैं देखिए इसको हम फोल्ड करेंगे इधर दोनों साइड, इस कपड़े को दोनों साइड हल्का हल्का फोल्ड करेंगे, इसके बाद प्लेट बैठाएंगे। कंधे वाला कपड़ा है जो देखिए दोनों साइड इस तरह से फोल्ड कर दिए हैं यहाँ और यहाँ। तो अब हम यहाँ प्लेट बैठाएंगे जैसे आपको बतलाए थे, इस टाइप से प्लेट बैठाना है चौड़ा चौड़ा। तो बैठा करके दिखला रहे हैं ऐसे, 2 इंच 2.5 इंच बचा हुआ है तो उतने ही साइज में बैठाना है। देखिए यहाँ पर प्लेट बैठाए हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए 6 प्लेट बैठाए हैं। तो इधर साइड से हमको इसी टाइप से प्लेट को बैठा देना है, 6 प्लेट इधर भी बैठाना है नीचे साइड भी। तो अब आपको हम इधर प्लेट बैठा करके आपको दिखला है से, अब कंधे पर इसको बैठाना है। तो देखिए किस टाइप से हमको बैठाना है, यहाँ सेम आ रहा है यहाँ इस तरह से। तो यहाँ पर हम इस पर सिलाई चला देंगे, यहाँ चलाएंगे और इसको फिर इस टाइप से करके यहाँ पर भी सिलाई करेंगे। तो आपको सिलाई करके हम दिखला, देखिए यहाँ पर इस तरह से हम ज्वाइन किए हैं। देखिए इस तरह से मशीन को चला दिए हैं यहाँ पर, यहाँ पर 3 बार चलाए हैं, 4 बार चला दीजिएगा। और इस तरह से देखिए इसको जब फिटिंग करना रहेगा तो अपना हिसाब से फिटिंग कीजिएगा। जैसे मैं, मेरा 9 इंच का बनता है यहाँ पे, 18 इंच का, तो यहाँ से फिटिंग कीजिएगा इस टाइप से। देखिए बीच से लीजिएगा तो यहाँ पे 9 इंच पे टिक लगा लीजिएगा, 9 इंच पे टिक लगाएं और यहाँ से भी 9 इंच पे टिक लगाइएगा। साइड में बटन रखिएगा, आगे भी बटन लग सकता है, यहाँ काट करके फिर पट्टी लगा दीजिएगा और यहाँ से 7-7 इंच पे टिक लगाइएगा, 7-7.5 इंच हल्का सा ढीला रहेगा तो ठीक रहेगा, इस टाइप चाहिएगा। और यहाँ से भी इसको यहाँ पर हम सिलाई करके आपको दिखलाएंगे। देखिए एक साइड यहाँ तक सिलाई करेंगे यहीं तक, और एक साइड में पूरा सिलाई करेंगे, और इतना बचेगा तो यहाँ पर हल्का सा फोल्ड करके इस तरह छोड़ देंगे, फिर किसी का मन रहेगा तो पहन सकती है इस तरह से। अब आपको हम सिलाई करके दिखलाएंगे। देखिए मेरा ब्लाउज सिलाई हो गया है और यहाँ पर खुला भाग है, यहाँ बटन लगा दीजिएगा, यहाँ पर देखिए बटन लगा दीजिएगा। और पहनने के बाद इस टाइप से थोड़ा सा बाजू टाइप के, बंडी बाजू टाइप के बना हुआ है और बहुत सुंदर लगता है पहनने के बाद।